तो दीपोत्सव का दिन है आज अयोध्या में, अद्भुत दिवाली का दिन दिख रहा है वहां पर। और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो आरती कर रहे हैं फिलहाल। तस्वीरें अयोध्या से, योगी आदित्यनाथ इससे पहले राम कथा पार्क में मौजूद थे, उन्होंने संबोधित भी किया और उसके बाद आरती करते हुए तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और दीपोत्सव में किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरह से इस बार ये उत्सव खास होने जा रहा है, इन तमाम तैयारियों का जायजा भी लिया है योगी आदित्यनाथ ने। और देखिए, दीप प्रज्वलित करते हुए इस दीपोत्सव की शुरुआत योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। और तस्वीरें आप देखिए, दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव की शुरुआत योगी आदित्यनाथ करते हुए। और देखिए, आज सरयू के घाट पर बड़ा कार्यक्रम है, बड़ी तैयारियां हैं इस उत्सव को और दिव्य और भव्य बनाने की, क्योंकि आज पिछला रिकॉर्ड टूटेगा अयोध्या में जब 28 लाख दियों की रोशनी से पूरा सरयू घाट और उसके साथ ही पूरी अयोध्या जगमगा उठेगी। इसकी खास तैयारियां बीते कई दिनों से की जा रही थी, जो वॉलंटियर्स हैं किसी तरह की कोई कमी ना रहे, कोई चूक ना रहे, इसे सुनिश्चित कर रहे थे। और फिलहाल आरती करते हुए भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं राम मंदिर में योगी आदित्यनाथ और उनके साथ कई बड़े चेहरे भी आपको दिख रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री भी यहां पर मौजूद हैं, ब्रजेश पाठक को आप देख पा रहे हैं। और इससे पहले रामकथा पार्क में मंच पर भी हमने ये तस्वीर देखी थी जब प्रतीकात्मक तौर पर प्रभु श्री राम, माता सीता, भगवान हनुमान की आरती भी उतारी, उनका अभिषेक भी योगी आदित्यनाथ ने किया। और रामलला की आरती करते हुए ये तस्वीरें आपके सामने हैं इस वक्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु श्री राम के इस मंदिर में, जहां रामलला अब विराजमान हैं, रामलला की आरती की जा रही है, उन्होंने दीप भी जलाया। ये दो अद्भुत तस्वीरें आज की, खास तस्वीरें, क्योंकि आज अयोध्या में राम मंदिर वाली दिवाली मनाई जा रही है। दीपोत्सव का ये त्योहार जो 2017 से जिस तरह से शुरू हुआ था, उसके बाद से हर साल नए रिकॉर्ड के साथ और नए उत्साह के साथ मनाया जाता है, इस बार भी पूरी तैयारियां हैं। देश विदेश से लोग यहां पर जुटे हुए हैं इस दीपोत्सव में शामिल होने के लिए, उसका हिस्सा बनने के लिए। कई कलाकारों को सुबह से हम देख रहे हैं कि अयोध्या में जगह जगह उनका, उनकी प्रस्तुतियां जो हैं वो दी जा रही हैं। कई अलग अलग रामलीलाओं का मंचन किया जा रहा है, अलग अलग देशों से वो कलाकार पहुंचे हैं अयोध्या जो राम, प्रभु श्री राम और उनकी लीलाओं का मंचन कर रहे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जब सरयू घाट पर हम उस जगमगाते हुए दियों की रोशनी को देख पाएंगे। ये देखिए, दियों से पूरा रोशन और रोशनी से सराबोर ये घाट के आसपास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सरयू घाट पर किस तरह से तैयारियां की गई हैं, अभी योगी आदित्यनाथ अब मंदिर परिसर से निकलकर घाट की तरफ जाते हुए भी देखे जा सकते हैं और वहीं पर तैयारियां हैं तमाम। सरयू आरती भी इस बार की बेहद खास होगी। तो अयोध्या में दिव्य दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और इस बार इस पल को ऐतिहासिक बनाने के लिए नए रिकॉर्ड बनाने की भी तैयारी है। और देखिए किस तरीके से ये एरियल व्यू हम आपको इस वक्त अयोध्या का दिखा रहे हैं, पूरी अयोध्या कैसे जगमगा चुकी है।